रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती के प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बाल मुझे पधारो, पधारो मार देश, देश रे पधारो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हामून रशीद। इस फ्रेश एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। हमारा जो सफर है नीलम वैली से ग्रेस वैली की तरफ हम चले हैं, जो कि ग्रेस वैली नीलम वैली की आखिरी एक वैली है। वादियां पर्वतों की हसीन शहजादियां, ऐसी खूबसूरत वादी में हम खड़े हैं। दरिया नीलम हमारे साथ साथ बह रहा है और ये जो रास्ता है बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। केल से यहाँ आते हुए ग्रेस वैली की तरफ, जो कि नीलम वैली की आखिरी वैली है, रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत कस्बे भी मिलते हैं। आप अगर पहला जो कस्बा, जो बड़ा मशहूर कस्बा है, मच्छल के नाम से उसको जाना जाता है, मच्छल के बाद आगे आप आते हैं तो आपको जंदरसिरी मिलता है। जंदरसिरी से आप आगे की तरफ बढ़ते चले आते हैं तो रास्ते में चंद खूबसूरत कस्बे, जिसमें जनवाई, फुलवाई और उसके बाद सरदारी, सरदारी के बाद आप जिस जगह में खड़ा उस जगह का नाम है हिजमत। यहाँ पे जो रहने वालों की अक्सरियत है वो कश्मीरी नस्ल है, और यहाँ पे आपको जो घर देखने को मिलेंगे, उस घरों के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको वो जो कश्मीरी ट्रेडिशनल हाउसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। लकड़ी का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि लकड़ी का जो इस्तेमाल है उसके बारे में माइनसेस भी हैं, प्लस भी हैं, मगर अगर आप उन रवायात के हवाले से देखें, जो लकड़ी के घर हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। अब यहाँ पर वेदर बड़ा सख्त होता है, जब सर्दियाँ आती हैं तो 6 से 7 माह तो यहाँ इनकी ज़िंदगी दूसरे इलाकों से कटी रहती है। ऐसे में आपको राशन भी इकट्ठा करना पड़ता है, और इन घरों के जिनके अंदर आप रहते हैं उन घरों का उस एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, यानी कि मौसम के तकाजों के मुताबिक आपके घरों के अंदर इतनी गर्माइश हो जिसमें आप एक पुरसकून तरीके से वो 6 या 7 माह गुजार सकें। अब एक बात जो मैंने जब यहाँ आकर महसूस की है कि जब हम यहाँ पर आकर खड़े हुए तो दरिया नीलम जो है हमारा साथी रहे, थ्रू आउट द वे दरिया नीलम हमारे साथ बहता चला आ रहा है, और ये आपको एक इसके साथ एक दोस्ती हो जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है। आपको रास्ते इतने दुश्वार गुजार हैं कि आप किसी जगह आप डर भी महसूस करते हैं, खौफ भी महसूस करते हैं, मगर वो जो डर और खौफ है, जब आप उस डर और खौफ से लेफ्ट या राइट अपनी जब चेहरे को मोड़ते हैं, आंखों को मोड़ते हैं, तो डर और खौफ कहीं दूर चला जाता है। आपको वो देखने को मिलता है कि आप बेख्तियार होकर क्या उठते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं अब इस ब्यूटी को एक्सप्लोर करने निकल रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ की जो जो खूबसूरती है उसको उसी तरह से पेश कर सकूं जैसी वो मुझे नजर आ रही है। हिलमत एक कदीम कस्बा है, बड़ा कस्बा है, यहाँ पर स्कूल भी हैं, यहाँ के ऊपर आपको डिस्पेंसरी भी मिलेगी, ज़िंदगी की बहुत सी सहूलियात मिलती हैं। जो चीज़ यहाँ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो यहाँ के बने हुए घर, लकड़ी से बने हुए घर, जिनको देखकर आपको ये महसूस होता है कि ज़िंदगी कहीं ठहरी हुई है और बड़ी खूबसूरत तरह से ठहरी हुई है। यहाँ पर जब आप अक्सर खुदाई करते हैं तो आपको पुराने बर्तन तो मिलते ही हैं, मगर एक चीज़ जो आपको मिली वहाँ पर इस वादी में वो था बने हुए मिट्टी से पाइप, जिससे ये मालूम हुआ कि किसी ज़माने में ये इंजीनियरिंग के लिहाज से इतने आगे एडवांस थे कि उन्होंने पानी को पहुंचाने के लिए वो मिट्टी के पाइप बनाए हुए थे, जो कि एक बेहतरीन हालत में आपको देखने को मिले।
हिम्मत के इस गांव में इन खूबसूरत बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है। ये कश्मीरी बच्चे हैं, ये सब कश्मीरी जबान में बात करते हैं, मगर उर्दू भी इनकी बहुत खूबसूरत है। और जो एक दुआ है जो हमें बचपन की यादों में ले जाती है, और जो बच्चे हैं हर पाकिस्तानी बच्चे की ज़बान पर, हर कश्मीरी बच्चे की ज़बान पर एक बड़ी खूबसूरत दुआ सजी रहती है। तो इन बच्चों से भी हम सुनते हैं उस दुआ को और चलते हैं उन वादियों में जिन वादियों में कहीं हमारा बचपन खो गया है। बच्चों शुरू करें फिर हम दुआ। चले जी, लब पे क्या आता है हमारे? आती है दुआ बन के तमन्ना, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, तू दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला। पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के किसी कोने में भी चले जाएं, एक चीज़ जो कॉमन नज़र आती है वो स्पोर्ट्स की मोहब्बत, और वो खासकर क्रिकेट की। तो बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने मुझे दावत दी, आए आप भी अपने क्रिकेट के स्किल दिखाएं। तो मैंने उन्हें बताया मैं असगर माल कॉलेज का पढ़ा, उन्होंने कहा हाँ हाँ वहाँ से शोएब अख्तर भी पढ़े हुए हैं। तो चले क्रिकेट खेलते हैं, और हमारे सामने जो बैट्समैन है उनका नाम है मुदस्सर, जो याद दिला रहे हैं हमें मुदस्सर नज़र साहब की, इनका डिफेंस बहुत मशहूर था। तो फिर मैं जाऊँ बॉलिंग स्टांस पे जी, और बॉलिंग स्टांस भी ऐसा है कि यहाँ से आपको पानी भी जा रहा है, ज़मीन भी हमवार नहीं है। चले जी मैं आ रहा हूँ जी। कि 120 साल से भी पहले का ये बना हुआ घर है, अब यहाँ पर ये अपने सर्दियों का इंतज़ाम करते हैं और ये घास डंप करते हैं। अच्छा, इस घर के अंदर दाखिल होने के लिए उन्होंने सीढ़ी लगा के रखी है, कोई 14 फुट की ये सीढ़ी है। इनके लिए तो ये रोज़ाना का मामूल है, मगर हमारे जैसे बंदे के लिए जब मैंने इस पर पहला कदम रखा तो बड़ा जमा कदम रखा, 11 नंबर तो मेरा पैर है। जब मैं तकरीबन पास पहुँचा तो यहाँ पर ये लकड़ी हल्की सी हिली है और दिल मेरा ज़्यादा उससे ज़्यादा हिला है। खैर, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और लकड़ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ हुआ है। अंदर इन्होंने जो स्टोरेज की हुई है वो घास की हुई है, और अक्सर रास्ते हमने देखा है जो हमारी माएँ बहनें हैं वो घास उठाकर खुद सर पे लाद कर आ रही होती हैं मुख्तलिफ जगह से, खुश घास जो फिर चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से हो आप? अब्दुल वहाब भट्ट साहब हैं, हम इनके मेहमान बने, इनके घर आए हैं, ये इनका बर्ची खाना है। मैं देख रहा हूँ इनका वेंटिलेशन का सिस्टम इतना अच्छा है कि किचन में किसी जगह आपको स्याही नज़र नहीं आ रही है, सारा धुआं बाहर चला जाता है। और यहाँ पे मुझे वो तांबे की गागर भी नज़र आई है, चश्मे का पानी आता है उसमें, और ये जो तांबा है बड़ा महंगा होता है, और अब ये बड़ी एक किस्म की उन यूटेंसिल्स में से, उन बर्तनों में से जिनकी बड़ी कीमत है, बहुत कम अब आपको शहरी इलाकों में तांबे के बर्तन नज़र आते हैं। खैर, ये भी कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में जो चीज़ बनती है वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे अमूमी तौर पे जो ख़ुराक है वो मकई का आटा इस्तेमाल किया जाता है, मगर गंदम भी पंजाब की तरफ से आती है, उसकी रोटियाँ भी बनती हैं। वाह वाह, ये देखें जी, हंसते मुस्कुराते हमें भाई मिले हैं जिनका हम इंतजार था, चलते चलते सहराम से मुलाकात हो गई। और ये इनके खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे, और इनके पास ये जो खच्चर और इनके पास ये जो घोड़े होते हैं जिसके साथ ये ट्रैवल करते हैं, ये दूर दराज उन इलाकों में जाते हैं जिनके नाम कुछ लोगों के लिए सिर्फ ऐसे ही होते हैं जैसे ख्वाब देखते हैं वहाँ जाने के लिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? ये तवड़वाला से आ रहे हैं। तवड़वाला से जी। कितना अर्सा वहाँ पर आप लोग रहते हैं? इधर 6 महीने सर गुजरे। 6 महीने जी। तो आपका रेवड़ भी आपके साथ होता है? जी, रेवड़ भी साथ। कितने जानवर हैं आपके पास? तकरीबन कोई 100-150 बकरी है। 100-150 बकरियाँ जी। तो उस वक्त बकरियाँ कहाँ हैं? बकरियाँ बाराकोट पहुँच गई हैं। बाराकोट पहुँच गई हैं जी। आप पीछे सामान समेटते हैं और सामान लेकर जाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप गर्मियाँ यहाँ गुजारते हैं, सर्दियाँ आप नीचे पंजाब में चले जाते हैं? जी, सर्दियों में बाराकोट में आते हैं। बाराकोट में तो शादियाँ? शादियाँ बस ज्यादा लोग अभी बराकोट ही करते हैं, पहले इधर करते थे, आजकल बराकोट ही करते हैं लोग सर्दियों में। जी, बस ठिकाने पे लगे तो फिर शादियाँ करते हैं। उधर से बैसाख आते हैं, इधर से बस असर कतक का मौसम वापस हो जाते हैं। यानी कि आप वहाँ से बैसाख अप्रैल मई में आप इधर आ जाते जी। हैं और फिर आप सितंबर अक्टूबर में वापसी का सफर जी वापसी चले जाते हैं। दे छोड़, मैं मुझे दे दो, कह रहे हैं मेहमानों को बिस्किट दें, इनके बच्चे भी इतने सखी हैं, जो कह रहा है अबू मेहमान को बिस्किट दो, जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है सर। और ये बिस्किट जो है ना बच्चे ने प्यार से हमें दिए, आप बच्चे को खिलाए, खुश रहे, मुलाकात रहेगी। शाह जी के हम मेहमान बने हैं यहाँ पे, हैं ताऊ भट्ट में, ग्रेस वैली का एक खूबसूरत तरीन ये इलाका है। शाह जी, बड़े पुरपेश रास्ते, बड़ा दुशवार गुजार रास्ता, रास्ते में मैंने बहुत हसीन मनाजिर देखे, और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो आखिरी गांव है ताऊ भट्ट, यहाँ पर आप जैसी खूबसूरत शख्सियत से हमारी मुलाकात। शाह जी, ये जो पत्तों की आवाज़ है, जो सिरसराती दरख्तों से हवा आती है और पत्तों के साथ लेके जा रही है,
ये मंजर हमारे लिए बड़ा हसीन है, तो कुछ हमें बताएं ताऊबट के बारे में, इसकी तारीख के बारे में। एक रिवायत यह है कि ये असल ताऊबट था। अच्छा। हिंदू आके यहाँ, कोई गारें वगैरह अब भी मौजूद हैं, उनमें आके अपनी पूजा किया करते थे। तो ताऊ कोई उनका कोई मजहब है या मसलक है या जो भी हिंदू का, तो उसका आके पूजा किया करते थे। ये पास्चर्स और आरजी लोगों के सीजनल कोई रहने की जगह हुआ करती थी तब उस ज़माने में। ठीक। उससे ये ताऊबट असल ताऊमत था और नाम बिगड़ते हुए ताऊबट बना। एक रिवायत ये भी है कि ता हमारी ऐसी लोकल जबान है ताऊबट की, छीना जबान है। जी जी। ता तवे को कहते हैं और बट पत्थर को कहते हैं। ठीक। तब उस ज़माने में चूंकि लोहे का ये नहीं हुआ करता था सिलसिला, तो लोग पत्थर को आग पर रख के उस पर रोटी पकाया करते थे, तो इससे ये ताऊबट नाम लगा। ये एक रवायत ये भी एक रवायत ये भी जी। लोग कैसे गुजारा करते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं इन सर्द मौसम में? सर हमारा रहने का बूदोबाश का तरीका ये है कि हम जो मकान बनाते हैं उसकी नीचे वाली जो मंजिल है पत्थर की बनती है और उसमें जानवर रखा करते हैं। ठीक। और उसकी और ऊपर वाली जो मंजिल है उसमें खुद रहते हैं। ठीक। और उससे जो ऊपर वाली मंजिल है तीसरी मंजिल, उसमें घास वगैरह जानवरों के लिए घास रखते हैं। तो खुद अपने रहने का ये तरीका है कि लकड़ आजकल गिरी पड़ी लकड़ जमा करते हैं, और सर्दियों में एक अंगीठी नुमा होती है, वो अंगीठी होती है उसमें लकड़ डाल के तो टेम्परेचर को बराबर करते हैं। अच्छा जी, जब ये सर्दियाँ आती हैं तो कितना अरसा आप कट ऑफ हो जाते हैं, कितना अरसा ये जो इलाका है सर्द का ये बर्फ में ढका रहता है? सर ये 5 महीने 5 महीने 6 महीने से लेके 5 महीने तक। जी जी। कोई अल्लाह का कोई करम हो जाए तो 4 महीने तो मुकम्मल ही हम बंद रहते हैं। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया एक एनवायरमेंटल क्राइसिस का शिकार है, ग्लोबल वार्मिंग का भी शिकार है। तो आप तो इस इलाके के पुराने रहने वाले हैं, तो यहाँ पर भी मौसम तब्दीली के असरात आपको नज़र आते हैं? यकीनन ऐसा ही है। मौसम गर्मा में हम कभी तस्वर नहीं करते थे कि कम्बल के बगैर और रज़ाई के बगैर सोने का। चंद साल हो गए हैं कि मौसम गर्मा में रज़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम घंटे धूप में जाके सोया करते थे, लेटा करते। अच्छा। थे तो अब ऐसा नहीं होता, अब 2-4 मिनट से ज़्यादा धूप में नहीं ठहरा जा सकता। ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ भी पहुँचा है, यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज यकीन हो चुका है। आपको पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ भी नज़र आ रही है, तो कब तक ये सारे पहाड़ बर्फ़ के पीछे पूछी? बस नवंबर में ये जो ना सफ़ेद हो जाएंगे सारे नवंबर में मुकम्मल तौर पर सफ़ेदी। आपने देखा होगा पहाड़ों पर इस वक्त बर्फ़ थोड़ी सी पड़ी है। जी जी। तो अगर आज भी कोई बारिश ज़्यादा होती है, 2-4 घंटे रहती है, तो सारा बर्फ़ में ढक जाएगा। एक आलम सुकून है मिनी मग से आता हुआ ये नाला, जो आगे जाकर हमारे दोस्त नीलम दरिया में शामिल हो जाता है। मुझसे किसी ने कहा कि मुझे बोलना नहीं आता, मेरे पास अल्फाज का ख़जाना नहीं है। मैंने उसे कहा मेरे साथ कश्मीर चलो। वो जितनी नज़में, वो जितनी गज़लें तुमने उर्दू सिलेबस में पढ़ी थी, जिनके तुम माना तलाश करते थे, वो सारे माना तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिकली मिलेंगे। ये हसीन वादियाँ, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये घने दरख्त, ये कुदरत की खूबसूरती, ये तुम्हें उन मानों का मतलब यहाँ समझा देगी। सुकून है, मोहब्बत है, प्यार है, लोग भी सच्चे हैं, लोग खरे हैं, यहाँ की गजा, यहाँ की फ़जा बहुत पाक साफ है। आपकी समाज के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपके रूह के लिए ताजगी यहाँ पर वाफर मकदार में मैसर है। यहाँ पे आकर आप जब इन सच्चे खरे लोगों से मिलते हैं इस पाक साफ फिजा में, तो आप ये कह उठते हैं मेरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। चलते चलते जब हम हलमत पहुंचे तो यहाँ पर भी एक दीप जल रहा है। यहाँ के नौजवानों ने कहा है जी हम सारे यहाँ पर कश्मीरी जबान बोलते हैं और हम आपको खूबसूरत कश्मीरी कलाम भी सुनाएंगे और उसके साथ रक्स भी पेश करेंगे। तो दोस्त आ चुके हैं, महफिल सजने वाली है, और जब महफिल सजेगी हमारे साथ आप भी इंजॉय करेंगे। साई साई माये, साई गोरो
چون شوکت جایه دای نزان دیتا کرک املاح تو طبق جایه سایه Thank you.